स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज 24 अक्टूबर 2020 शनिवार हो गया है और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें सेलेक्ट करके लेके आए हैं हम आपके लिए, तो बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आज की 50 बड़ी खबरों में सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है। व्हाट्सएप अगर आप भी चलाते दोस्तों तो आपके लिए एक नया अपडेट है। मौसम समाचार भी जानेंगे, कोरोना वायरस को लेकर क्या आंकड़े चल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ी घोषणा की है वो भी जानेंगे। सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट है। खेल समाचार भी जानेंगे। IPL क्रिकेट मैच को लेकर भी अपडेट है। एक एक करके सभी खबरों को फटाफट से देख लेते हैं। जहां पहली खबर आप देख पा रहे होंगे, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में अगर आपका खाता है तो SBI के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब और भी आसान होगा दिल्ली मेट्रो में यात्रा करना क्योंकि खास सुविधा मिलने जा रही है। दरअसल दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है ना DMRC उसने SBI कार्ड के साथ मिल करके एक साझेदारी की है और दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड लॉन्च किया। ये एक मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड है जिसका खास लाभ दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा। इस दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड को DMRC के निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह और SBI कार्ड के CEO अश्विनी कुमार तिवारी ने लॉन्च किया है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये दोस्तों कि आप इस SBI कार्ड के जरिए दिल्ली मेट्रो का टिकट वगैरह लेते हो तो आपको काफी कुछ अच्छे डिस्काउंट और ऑफर्स वगैरह भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, उद्धव सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया, 10,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। बात है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की, जहां इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को राज्य के बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। खास करके किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। सहायता राशि दिवाली से पहले पहले, दीपावली का जो त्योहार आएगा उससे पहले पहले किसानों को दे दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि यह राशि दिवाली के त्योहार से पहले मिल जाएगी, यानी कि बारिश से, अति बारिश से, ज्यादा बारिश से या कम बारिश से जिन भी किसान भाई लोगों को फसलों में नुकसान हुआ तो उनको इसका मुआवजा के रूप में यह राशि सरकार की सहायता के रूप में मिल जाएगी, तो ये राहत की बात है। चलिए अगली खबर देखिए, प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगेगा ब्रेक, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल आपको बताऊंगा फल सब्जियों की सबकी कीमतें बढ़ रही हैं और इसी में प्याज की भी कीमतें काफी महंगी होती जा रही, राइट। और ऐसे में प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए अब प्याज व्यापारियों पर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दिया। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ही ये लिमिट लगाई है। और वो लिमिट क्या है दोस्तों, तो दरअसल अब 31 दिसंबर तक प्याज के जो खुदरा और थोक व्यापारी हैं उनको 25 टन तक स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है। खुदरा विक्रेताओं को 2 टन और थोक विक्रेताओं को 25 टन मैक्सिमम है ना। ये उपभोक्ता हित में प्याज की कीमत नियंत्रित करने हेतु मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, अगर चांदी खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप जरूर खरीद लीजिएगा, ये बेस्ट टाइम है क्योंकि दिवाली से पहले चांदी में इन्वेस्ट करके आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। क्योंकि एक्सपर्ट की तरफ से ये अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि दीपावली के बाद चांदी के मार्केट में फिर से तेजी देखी जाएगी और इसलिए अगर आप चांदी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम हो सकता है। और भी आप इस पर रिसर्च कर लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए दोस्तों बिहार चुनाव जो चल रहे हैं इसमें कल ही आपको पता होगा बिहार में इलेक्शन के दौरान रैली की थी पीएम मोदी ने, इलेक्शन रैली और यानी कि चुनावी रैली है ना। उस बिहार में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश को कमजोर कर रहा विपक्ष, जंगल राज वाले नहीं कर सकते विकास। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 पर विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश को कमजोर करने वाले बयान देकर ऐसे लोग देश की जनता से वोट मांगने की हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं। बिहार के सासाराम में अपनी पहली चुनावी रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक तरफ बिहार के लोग अपने नौजवानों को देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ऐसी बातें करके उनकी भावनाओं का अपमान भी करता है। इसके अलावा नए कृषि कानून को लेकर भी विरोध के संदर्भ में विपक्ष पर खूब बोले पीएम मोदी। और कुल मिलाकर के दोस्तों चुनावी रैलियां चल रही हैं तो जाहिर सी बात है एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी के बारे में ही क्या कुछ बातें पब्लिक को बताती है, सच्चाई क्या है ये जनता खुद जानती है। बाकी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, आप स्वयं के विवेक से जो अच्छा लगता है आपको, जो पार्टी अच्छी लगती है उसी को वोट दें। और एक खबर देखिए, पीएम मोदी ने रैली के दौरान क्या कहा, बिहार में काबाग के सवाल पर पीएम मोदी ने जवाब दिया और लोग बाग वाह वाह कर उठे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शुक्रवार को जो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण मतदान को लेकर 3 रैलियां की और रोहतास की अपनी पहली रैली में उन्होंने कैमूर की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के गाने बिहार में काबा, ये जो गाना सोशल मीडिया पर ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा था आपको पता होगा, राइट। इस गाने को लेकर मजेदार अंदाज में पीएम मोदी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि विदित हो इस गाने में सूबे की बदहाल स्थिति व बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं को उठाते हुए सवाल किया गया कि बिहार में काबा। रोहतास की रैली में जब पीएम मोदी ने बिहार में काबा की तर्ज पर बिहार में क्या है बताना शुरू किया तो लगा कि यह उस गाने का ही जवाब है। पीएम मोदी भोजपुरी में ही बोले कि भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जयघोष बा बिहार वगैरह वगैरह। तो ये काफी कुछ चर्चाएं चल रही है राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर और मैं ज्यादा राजनीतिक खबरें आपको बताता नहीं हूं, पता है। सीधा आगे बढ़ते हैं अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देख सकते हैं। खबर देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं
में भी बन सकेंगे शिक्षक। ICDS आखिर कब फैसला लेगा? मैं आपको बता दूं, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है ना, इसमें भी न्यू वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, उस पर राजस्थान की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नजरें हैं, क्योंकि इस नीति से सरकार चाहे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भविष्य संवार सकती है और इस नीति के जरिए केंद्रों पर शिक्षक लगाए जाएंगे। ऐसे में यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षकों की जिम्मेदारी दी जाती है तो वे राज्य कर्मचारी भी बन जाएंगे और दूसरा विभाग का काम भी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं राजस्थान में सरकार की तरफ से और कब इस पर क्या घोषणा होती है और कब ये प्लानिंग चालू होती है सरकार की। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, श्रमिकों के महंगाई भत्ता की गणना के लिए नई सीरीज लॉन्च हो चुकी है, इससे DA में कोई बदलाव नहीं हुआ। दरअसल श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने औद्योगिक श्रमिकों के महंगाई भत्ता गणना करने के लिए नई सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में 15 साल बाद बदलाव किया गया और अंतिम बदलाव 2001 में हुआ था, जिसे अब आधार वर्ष 2016 के हिसाब से लॉन्च किया गया। इस दौरान श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा दोस्तों कि आने वाले सालों में हर 5 साल पर आधार वर्ष संशोधन किया जाएगा। ये पूरा मैटर आखिर क्या है, क्या होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसका इस्तेमाल सेवाओं एवं वस्तुओं की एवरेज वैल्यू यानी कि औसत मूल्य माप के लिए किया जाता रहा है। ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, भारत में शुरू हो चुके हैं आईफोन 12 की प्री बुकिंग, HDFC बैंक आपको अच्छा खासा कैशबैक दे रहा। जी हाँ, आपको बता दूं देश भर में कल से ही दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एप्पल कंपनी अपने नए प्रोडक्ट आईफोन 12 के 2 मॉडलों की प्री बुकिंग शुरू कर चुकी है और इस प्री बुकिंग के साथ में अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज करते हो तो फोन को खरीदने पर आपको अधिकतम 6,000 रुपए तक का कैशबैक भी दिया जाएगा। हाल ही में आपको बताऊंगा एप्पल ने इवेंट के दौरान आईफोन 12 को रिलीज किया था, तो आईफोन 12 और 12 प्रो इन दोनों की ही प्री बुकिंग भारत में शुरू हो चुकी है। ठीक है ना, प्राइस क्या है इनकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिनी की प्राइस और 12 की प्राइस आप एप्पल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी प्री बुक कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगली खबर है, अब फ्री में देख सकेंगे नेटफ्लिक्स, भारत में यूजर्स को मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, दरअसल मुफ्त में नेटफ्लिक्स, ये वो शब्द है दोस्तों जो ज्यादातर भारत के यंगस्टर और मूवी लवर्स को सुनने के लिए अच्छे लगते हैं। आपको बता दूं नेटफ्लिक्स कंपनी वास्तव में ही यूजर्स को फ्री में अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की योजना बना रहा। दरअसल कंपनी ने अपना एक नया प्रमोशनल ऑफर लॉन्च किया। ठीक है ना, इसके तहत भारत में कोई भी यूजर 2 दिन के लिए फ्री में नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर पाएगा। इस ऑफर का नाम है स्ट्रीम फेस्ट करके, ये ऑफर 4 दिसंबर से भारतीय यूजर्स के लिए लाइव हो जाएगा। अब देखते हैं इन OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो ये ऑफर आता है इसमें और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक अगली खबर देखिए कि हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, अपने कानूनों से हटाएगी पंजाब का नाम। दरअसल हरियाणा ने अपने कानूनों से पंजाब का नाम हटाने के लिए कमर कस ली है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता द्वारा इस संबंधों में प्रयास शुरू करने के बाद अब राज्य सरकार ने भी इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया। कानून एवं विधि विभाग के लीगल रिमेम्ब्रेशर एवं प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी 1968 के आदेश के अंतर्गत इसका पुनरावलोकन परीक्षण वगैरह करेगी। ये दोनों ही सरकारों के बीच जो मसला चल रहा है इसको लेकर ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, दिसंबर के अंत तक मिल सकता है पहला मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर, नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, परम शिवाय करके एक नया सुपर कंप्यूटर भारत में आने जा रहा। अभी हमारे देश में सिर्फ 3 ही सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, इन सुपर कंप्यूटर्स को असेंबल किया गया है भारत में। ठीक है ना, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि NSM के तहत देश में सुपर कंप्यूटर्स का जाल बिछाना चाहती सरकार और अब देश में ही स्वदेशी सुपर कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं जिनके सभी पार्ट्स भी भारत के ही बने हुए होंगे और इनका मुख्य काम होगा नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनने से जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। यानी कि भारत का पहला मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो सकता है। देखते हैं आखिर ये लॉन्च होने के बाद भारत में क्या नए बदलाव टेक्नोलॉजी में देखने को मिलते हैं हमें। फिलहाल देखिए एक अगली खबर, बड़ी खबर है, दीपावली के बाद और भी तेजी से गिर सकते हैं काजू बादाम किशमिश वगैरह सूखे मेवे के दाम। आखिर क्यों? मैं आपको बता दूं बीते 6 महीनों से मेवा बाजार की कमर टूटी हुई है। जनवरी फरवरी 2020 तक दुकान गोदामों से भर गया और माल ऐसे ही रखा गया। मार्च के आखिर से बाजारों में सन्नाटा छा गया, यानी कि लॉकडाउन वगैरह लग गया था आपको पता होगा। और अब अक्टूबर में भी उतनी ही संख्या में ग्राहकों ने बाजार की ओर रुख नहीं किया जो पहले निकलते थे और जरूरत का सामान खरीदा करते थे। अभी आपको पता होगा कोरोना के मैटर के बाद लोगों की रोज रोज सूखे मेवे खाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कुल मिलाकर के लॉकडाउन के बाद उतना ज्यादा सूखे मेवे नहीं बिक रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इनकी कीमतें गिरती जा रही हैं क्योंकि सेल आउट नहीं हो रही है ना। अगली खबर देखिए, मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन को लेकर अपडेट है दोस्तों कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में ओनरशिप डिटेल के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन को नोटिफाई किया। जी हाँ, दरअसल वाहनों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में ओनरशिप डिटेल को स्पष्ट रूप से जोड़ने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स में संशोधन किया गया। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इस संशोधन को नोटिफाई कर दिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा दोस्तों कि इस संशोधन से दिव्यांग जनों को खास तौर से लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसका मकसद ये है दोस्तों कि वाहन का जो ओनर है ना, मालिक है ना, उसकी डिटेल क्लियरली पता चल जाए, तो ऐसा सिस्टम न्यू मोटर व्हीकल रूल्स में लागू किया जाना अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी सुपरस्टार यश की फिल्म KGF। फैंस में इससे खुशी की लहर दौड़ चुकी है। साउथ फिल्म जगत के सुपरस्टार यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF के दूसरे चैप्टर का
उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच उनके फैंस के लिए कुछ खबरें आई सोशल मीडिया पर। से खबर मिल रही दोस्तों की ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 को फिर से पर्दे पर रिलीज किया जा रहा है। इसकी घोषणा फिल्म मेकर रितेश सिद्धवानी ने अपने ट्वीट के जरिए की है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, व्हाट्सएप में अब किसी भी चैट को हमेशा के लिए आप म्यूट कर पाओगे। एक नया फीचर आ चुका है। जी हाँ, व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर जोड़ा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स किसी भी चैट को हमेशा के लिए म्यूट कर पाएंगे। ये फीचर चैट सेटिंग्स में दिया गया। तो दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और किसी यूजर्स को लाइफ टाइम के लिए म्यूट करना चाहते हैं ना, तो पहले आपको बताओगे इसमें ऑप्शन था 8 घंटे के लिए, 1 दिन, 7 दिन के लिए या 1 साल के लिए म्यूट कर सकते थे, राइट। लेकिन अब आप लाइफ टाइम के लिए बोले तो परमानेंटली किसी यूजर को म्यूट कर पाओगे, ठीक है ना। ऑलवेज ऑप्शन आ चुका अब यहाँ पर, फिर 1 वीक और उससे ऊपर 8 आवर्स। तो ये ऑप्शन आईफोन और एंड्रॉइड दोनों ही यूजर्स के लिए आपको व्हाट्सएप में देखने को मिल जाएगा। चलिए साथ ही अगली खबर है, HDFC बैंक में शिफ्ट होगा मुंबई पुलिस के 50,000 कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट। आखिर इसके पीछे कारण क्या? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मुंबई पुलिस में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी अब एक्सिस बैंक के अकाउंट में नहीं आएगी। इन सभी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट प्राइवेट सेक्टर के ही एक अन्य बैंक HDFC बैंक में शिफ्ट किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दूं मुंबई पुलिस देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स में से एक है, जिसमें करीब 50,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसके पीछे वजह क्या? तो एक्सिस बैंक के बीच जो सभी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट का जो MOU था, समझौता ज्ञापन था, उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 को ही समाप्त हो चुकी है और इसलिए अब ये सैलरी अकाउंट शिफ्ट होगा या ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों की, पानी की बर्बादी करने पर अब होगी 5 साल की सजा, देना होगा 1,00,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों की पानी की बर्बादी करने वालों को अब सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है इसको, तो ये एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती हैं। इसलिए CGWA के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1,00,000 रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। तो ये एक नया नियम बन चुका हमारे देश में, यूं समझ लीजिएगा आप। कुल मिलाकर के आपको पता होगा पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ करके, तो इस अभियान को फॉलो करना हमें और इस नारे को सफल बनाना। चलिए अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर। तो संपूर्ण भारत का 24 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, मैं आपको बता दूं आगामी 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, दक्षिण असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में मध्यम भारी बारिश हो सकती है। इन हवाओं में तूफानी हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। वहीं तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 जगहों पर भारी बारिश का अनुमान भी है। साथ ही दोस्तों मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ये रहा आज का मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। और चलिए अब बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट क्या चल रहा है। तो सोने की कीमतों में 59 रुपए की बढ़ोतरी हुई, इसके बाद सोने का रेट 50,825 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी में 56 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 62,671 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी का रेट चल रहा है। ओके आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ खबरों पे, जहां अपडेट देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बेटे और राघवगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी खुद जयवर्धन ने ट्वीट करके पोर्टल पर दी है। उन्होंने लिखा कि गुरुवार रात से मुझे कोविड के लक्षण महसूस हो रहे थे और टेस्ट करवाने पर RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही उन्होंने अपील भी की कि उनके संपर्क में जो भी लोग आए इन दिनों वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें, ठीक है ना। अच्छा, कोरोना को लेकर दोस्तों वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक और बात पता चली, जरा देखिए कि डेड बॉडी में भी कोरोना जिंदा रहता है। 65 साल के मरीज के फेफड़ों को लेदर बॉल की तरह सख्त कर दिए, धमनियों में खून के थक्के जम गए, इसके चलते किसी शख्स की जान चली गई, ठीक है ना। लेकिन जरा देखिए मरने के 18 घंटे बाद भी नाक और गले में कोरोना वायरस जिंदा मिला। उस शख्स के जो इस दुनिया में नहीं है, उस शख्स के भी शरीर में कोरोना वायरस जिंदा मिला। तो ये देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला। वहीं आज के भारत में ताजा कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान भी काफी कम ही लिमिट के साथ बढ़ोतरी हुई। 53,000-54,000 समथिंग नए मामले बढ़े और उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस जो है ना वो 78,13,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 6,80,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 70,13,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड भी हो चुके हैं, है ना। वहीं इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,17,992 से भी ज्यादा पहुंच चुका। ओके आइए अब नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए भारत में फ्लैश फ्लड सिस्टम शुरू हो चुका है। दक्षिण एशियाई देशों को समय रहते बाढ़ की सूचना मिल जाएगी। अच्छी खबर है दोस्तों भारत और पड़ोसी देशों की भलाई के लिए शुक्रवार को भारत में एक नई पहल शुरू हुई है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने वाला एक नया सिस्टम शुरू किया। ये दक्षिण एशिया के चुनिंदा देशों को 24 घंटों से लेकर 6 घंटे से पहले
अगले तक बाढ़ की चेतावनी दे देगा। भारत में ये चेतावनी केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी विश्व मौसम विज्ञान विभाग ने सौंपी थी, तो भारत ने कम्प्लीट किया। इसको कुल मिलाकर के अच्छी बात है भारत के साथ साथ दूसरे देशों के लिए भी। अगली खबर देखिए, 16 राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की पहली किस्त जारी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने कल ये बात की जानकारी दी है। अगला अपडेट देखिए, टाटा कंपनी की तरफ से ईएमआई ऑफर निकल कर आ रहा है दोस्तों, मात्र 789 यानी कि 789 रुपए प्रति लाख रुपए में घर लाए टाटा की कार कंपनी ने त्योहारों पर खास ऑफर निकाला। टाटा मोटर्स ने भारत में त्योहारों पर ग्राहकों के लिए भारत में इस ऑफर की पेशकश की है, और इस ऑफर के तहत दोस्तों कंपनी ने एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता किया और दो नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनके तहत वाहन लेने पर प्रति माह महज 789 रुपए प्रति लाख की ईएमआई, आपको हर साल 3 महीनों के लिए ग्राहक कम ईएमआई देने का विकल्प भी चुन सकता है। तो ये दो स्कीम निकाली है नई टाटा कंपनी की तरफ से। टाटा की कार वगैरह अगर आप खरीदने की प्लानिंग करें तो भी अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को शुरू करेंगे किसान सूर्योदय योजना। आखिर ये क्या है? तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को गुजरात में 3 योजनाओं को लॉन्च करेंगे। मैंने आपको कल ही तीनों योजनाओं के बारे में क्लियर बताया था, ठीक है ना। उसमें से एक योजना किसानों के लिए भी है, किसान सूर्योदय योजना करके, जिसमें सिंचाई वगैरह की व्यवस्थाएं किसानों के लिए की जाएगी, तो अच्छी बात है। अगला अपडेट देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि बिना इस डॉक्यूमेंट के भी अब स्कूल में मिलेगा एडमिशन। जी हाँ, कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों में दाखिले को लेकर परेशान छात्रों और अभिभावकों के लिए एक राहत की खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया। रामजस स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दोस्तों कि किसी बच्चे के पास अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी नहीं भी है ना, तब भी स्कूलों को उस बच्चे को दाखिला देना ही पड़ेगा, यानी कि एडमिशन देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही ओरिजिनल मार्कशीट के बजाय 10वीं की बोर्ड के द्वारा जारी की गई ऑनलाइन रिजल्ट की कॉपी से भी एडमिशन देना होगा। तो ये कोर्ट का अच्छा फैसला वाकई में। अगली खबर है दोस्तों, एजुकेशन न्यूज को लेकर कुछ अपडेट है। मैं आपको बता दूं, एक तो आईबीपीएस आरआरबी 2020 को लेकर खबर है दोस्तों की ग्रामीण बैंकों में 8,424 क्लर्क और अधिकारी पदों के लिए आवेदन करने का और एक मौका है। इसकी लास्ट डेट है 26 अक्टूबर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट 2 दिन रहे आपके पास। अगर आप भी आईबीपीएस की इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है ibpsonline.ibps.in, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एजुकेशन की बात हो रही तो और एक खबर देखिए एजुकेशन को लेकर। पंजाब बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं पीएसईबी के लिए, है ना। सोमवार से इसकी परीक्षाएं शुरू होनी है, तो इसमें भी आप ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा आपके एडमिशन कार्ड। चलिए वही बात करें खेल समाचार को लेकर, तो आपको पता होगा कल ही चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2020 का 41वां मैच खेला गया, राइट। और ऐसे में उस मैच में मुंबई ने चेन्नई को 10 विकेट से हरा दिया। सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार लीग में 8 मैच हारी है, प्लेऑफ की राह मुश्किल हो रही है और मुंबई टॉप पर चल रही है। ये स्कोर कार्ड भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईपीएल के 13वें सीजन का जो 41वां मैच था एमआई वर्सेस सीएसके के बीच में, उसमें सीएसके को 10 विकेट से हरा दिया गया, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, एक सर्वे में ये बात सामने देखने को मिली है, देखिए जरा, कि 51% भारतीयों के पास रिटायरमेंट की कोई योजना नहीं है। सर्वे में हैरान करने वाले आंकड़े देखने को मिले हैं। नौकरी करते समय हम मकान, गाड़ी खरीदने और बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए पूंजी जुटा लेते हैं, लेकिन खुद के लिए योजना बनाने का समय नहीं मिलता। लिहाजा आपको ये समझना होगा दोस्तों कि रिटायरमेंट पूंजी जमा करना भी अन्य लक्ष्यों जितना ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें देरी होती है तो पर्याप्त पूंजी एकत्र करना संभव नहीं होगा और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक तंगी भी आ सकती है। इसीलिए इस लक्ष्य के लिए भी जितना जल्दी हो सके आप अपने निवेश की शुरुआत कर दें। और कुल 15 शहरों में भारत में ये सर्वे किया गया, इसमें पता चला कि आधी पब्लिक जाना वो रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं रखती है। सो यू शुड ट्राई इट। अगली खबर दोस्तों, गोल्ड प्राइस अपडेट्स को लेकर देख सकते हैं कि अब भारत में ही तय होगी सोने की कीमत। बुलियन एक्सचेंज को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल यदि आप सोने चांदी के ट्रेड से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। खबरों के माने दोस्तों तो भारत में जल्द ही इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू होगा और यहां आप सोने व चांदी के स्पॉट ट्रेड कर सकेंगे। भारत में बुलियन एक्सचेंज खुलने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में भारत अपने सोने की कीमत खुद तय करने का काम करेगा। वर्तमान में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा सोने के भाव के अनुसार भारत के सराफा बाजार में सोने की कीमत तय करने का काम किया जाता है, और लेकिन भारत में ये सिस्टम शुरू होने के बाद भारत खुद ही सोने के भाव तय कर पाएगा, तो ये अच्छी बात रहेगी। और एक खबर देखिए जरा कि बुजुर्ग माँ के लिए दयालु बना सुप्रीम कोर्ट। बीमारी छिपाकर पॉलिसी लेने के मामले में रिकवरी पर रोक लगा दी। ये दरअसल एक मामला था दोस्तों जिसमें किसी दादी ने बीमा क्लेम उठा लिया था क्योंकि उसके किसी संबंधित व्यक्ति का बीमा था, ठीक है ना, और उसको कोई गंभीर बीमारी थी, लेकिन पॉलिसी लेते समय उस व्यक्ति की गंभीर बीमारी के बारे में बताया नहीं गया। 1 महीने बाद ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और बीमा कंपनी पहले तो उसको बीमा क्लेम देने से मना कर देती है, फिर महिला उपभोक्ता केंद्र जाती है, वहां से सॉल्यूशन के बाद धीरे धीरे कुल मिलाकर के बीमा कंपनी क्लेम पूरा क्लियर कर देती है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और बीमा कंपनी फिर भी मानती नहीं है कि क्योंकि बीमारी छुपाई थी इसलिए वो वापस क्लेम को रिकवर करना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि क्योंकि वो जो 70 साल की महिला है उसके पास आय का इनकम का और कोई जरिया नहीं है, वो सिर्फ बीमित व्यक्ति के ही ऊपर आश्रित है उसी की बीमा राशि पर, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मानवीयता के नाते अनुच्छेद की धारा 142 के अधिकारों का उपयोग करते हुए बीमा कंपनी को रकम की रिकवरी पर रोक लगा दी, यानी कि बीमा कंपनी वापस अपनी उस दादी से रकम नहीं ले सकती है, समझ रहे।
हो ना, तो ये कुछ मसला चला सुप्रीम कोर्ट में, अच्छी बात है, मानवीयता भी होनी चाहिए। और इसके साथ ही आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट, वीडियो में फिनिश होता। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की हमारे भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत है किसके द्वारा की गई, यानी किस नेता के द्वारा की गई है। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो की गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दे जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके फोन पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।